हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चिरंजीत मलिक एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या कमियां रह जाती हैं, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी आगे चलकर दो हिस्सों में बट गया था, कौन कौन, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। ठीक है, और जो तुम्हारा क्रॉस पॉलिनेशन था उसे हम लोग क्या कहते थे, जीनोगेमी। तो तीन टाइप के हो गए। ठीक है, क्या क्या, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या हो रहा था, एक ही फ्लावर में एक ही फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर कॉन्टेक्ट में आ रहे थे और पॉलिनेशन हो रहा था। जीटोनोगेमी में क्या हो रहा था कि सेम प्लांट, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में इंटरेक्ट हो रहा था, है ना। एक फ्लावर का एक ही सेम प्लांट रहेगा लेकिन एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन आएगा, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा। ठीक है, और जीनोगेमी में क्या हो रहा था, जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं जनरली, उसमें क्या हो रहा था कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा। समझ में आ गया, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑटोगेमी जो होता है, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन का एक टाइप है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं प्लांट्स में, और उससे निपटने के लिए प्लांट्स अपने में क्या क्या मैकेनिज्म डेवलप करता है, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके, सो देखो, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल और मोनोसियस और हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स, दैट इज एंथर एंड स्टिग्मा आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट एंड सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी टेक्स प्लेस। देखो यहां पर तीन तीन टर्म लिख दिया हूं मैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल, जिसके बारे में तो जानते हो कि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स मिलेंगे, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट रहेंगे। मोनोसियस के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, मोनोसियस मतलब भी बाइसेक्सुअल होता है। और एक नया टर्म आया हर्मोफ्रोडाइट, ठीक है, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब भी होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये तुम्हारे एनिमल्स के लिए भी यूज होता है और प्लांट्स के लिए भी यूज होता है। हर्मोफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों रहेंगे। तो इस टर्म को भी अच्छे से याद कर लेना, तीनों पॉइंट्स इसलिए मैं एक साथ लिख दिया हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मोफ्रोडाइट, मैक्सिमम बच्चों को बायोलॉजी के टर्म्स टर्मिनोलॉजी में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं टर्म्स को जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे मैं उसे बताता जाऊँगा। सो हर्मोफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, दैट इज एंथर एंड स्टिग्मा आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एंथर और स्टिग्मा तो पास पास रहेंगे क्योंकि एक ही फ्लावर में है तो एंथर और स्टिग्मा क्लोज कॉन्टेक्ट में रहेंगे। ठीक है, तो अगर क्लोज कॉन्टेक्ट में है एंथर और स्टिग्मा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस किसके बनते हैं, ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन के। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कंटिन्यूड सेल्फ। प्रॉब्लम क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन का, देखो, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा बहुत जनरेशन तक, ठीक है, लगातार, अब देखो इससे जो प्लांट होंगे उसमें भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हिबिस्कस का, ठीक है, हिबिस्कस का एक एग्जांपल लेते हैं। तो हिबिस्कस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उससे जो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद उससे जो प्लांट होगा वो भी, उसमें जो फ्लावर लगेंगे वो भी सेल्फ पॉलिनेशन, फिर उससे जो प्लांट होंगे उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फिर इस तरह कंटिन्यू होता जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होता जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन लगातार कंटिन्यू और बहुत सेल्फ पॉलिनेशन लगातार बहुत सारे जनरेशन तक होने से क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम आता है प्लांट में। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ये टर्म लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इसके बारे में डीपली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन लिखा हुआ है ना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में उस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आगे एक दूसरा चैप्टर आएगा जिसके बारे में हम लोगों को इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर मैं तुम्हें शॉर्ट से बता देता हूँ कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आखिर होता क्या है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट में एक
प्रॉब्लम आती है जिसे हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब मेटिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड मोर देन 8 to 10 जनरेशन causes the losses in fertility in flowers, it is caused in breeding depression। ठीक है, देखो जब एक ही ब्रीड के सेम ब्रीड के ना सेम ब्रीड मतलब एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं उन दोनों के बीच में अगर ब्रीड कराया जाता है, ठीक है, जैसे कि एक ही प्लांट, ठीक है, एक प्लांट में दो फ्लावर उगे हुए हैं, ठीक है, दो फ्लावर उगे हुए हैं, एक ही प्लांट में दो फ्लावर उगे हुए हैं, अब इसका पॉलन ग्रेन इसका ये स्टिग्मा पर गिरेगा, उससे जो प्लांट बनेगा, फिर उसमें जो दो फ्लावर उगेंगे, मतलब एक ही सेम प्लांट के लगातार होता जा रहा है ब्रीड, है ना, इससे जो ब्रीड बनेगा एक नया प्लांट बनेगा उसमें जो दो फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें जो दो फ्लावर लगे हुए हैं फिर इन दोनों के बीच में होगा, फिर उससे जो नया प्लांट बनेगा उसके दो अलग अलग फ्लावर से हो रहा है, ठीक है, मतलब सेम प्लांट के मतलब सेम प्लांट के फ्लावर्स के बीच में जो मेटिंग हो रहा है ना, प्लांट नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ फ्लावर एक ही है, प्लांट भी नहीं चेंज हो रहा है, मतलब सेम ब्रीड के प्लांट के बीच में क्या हो रहा है, मेटिंग हो रहा है, अगर 4 से 6 जनरेशन तक होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग का बहुत सारा फायदा है, इनब्रीडिंग में बहुत सारे ऐसे जो हानिकारक जीन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक ना, इनब्रीडिंग का फायदा है, इसीलिए इनब्रीडिंग कराया जाता है। सो 4 से 6 जनरेशन तक कराया जाता है तो उसको इनब्रीडिंग कहते हैं, उसमें जो हानिकारक जीन्स है ना, हार्मफुल जीन्स है, वो अलग हो जाते हैं इनब्रीडिंग कराने से। लेकिन कोई भी चीज़, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर क्या होता है, खतरनाक होता है। तो 4 से 6 जनरेशन तक तो ठीक था, है ना, लेकिन अगर उसको फिर 8 से 10 जनरेशन कराया जाए, है ना, 8 से 10 या उससे ज़्यादा जनरेशन तक कराया जाता है, तो क्या होता है कि लगातार इनब्रीडिंग होने से उसके फर्टिलिटी कम होती जाती है, धीरे धीरे फर्टिलिटी बिल्कुल कम होता जाएगा। तो ये क्या होता है फ्लावर के लिए या प्लांट के लिए, क्या है, एक हार्मफुल इफेक्ट है ना, उसका फर्टिलिटी ही कम हो जा रहा है तो उसका जनरेशन तो खत्म हो जाएगा, तो उसके फर्टिलिटी में लॉस आता है, तो इसको कहते हैं हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, यानी इनब्रीडिंग तो अच्छा है लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट के लिए बुरा है, और लगातार कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही होता है, ठीक ना, क्योंकि अलग प्लांट के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं रहे हैं ना, सेम ब्रीड के सेम प्लांट के फ्लावर ही आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। इस तरीके से 8 से 10 जनरेशन अगर होता है तो उसके फर्टिलिटी जो है वो गिरने लगेगा, है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। समझ में आ गया, फ्लावर्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन कॉल्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए, उसे हटाने के लिए, उसे लड़ने के लिए फ्लावर्स जो है अपने अंदर एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकता है ना, क्योंकि देखो वो बाइसेक्सुअल है तो अपने आप को तो अब अपने आप में तो कुछ चेंजेस ला नहीं सकता है ना, बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, लेकिन उस बाइसेक्सुअल के वजह से जो नुकसान हो रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है उसमें, है ना, उसका फर्टिलिटी कम हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा, फर्टिलिटी ही कम हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका सारा कुछ मिट जाएगा, है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो फर्टिलिटी कम हो रहा है तो उसका आगे जनरेशन ही नहीं बढ़ेगा, है ना, तो जनरेशन ही नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए फ्लावर्स अपने आप में कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सके, तो उसी को हम लोग कहते हैं, जो मैकेनिज्म डेवलप किया उसे हम लोग कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक, फ्लावर्स हैव डेवलप्ड many devices to discourage self pollination को कम करने के लिए and encourage cross pollination, और cross pollination को बढ़ावा देने के लिए flowers जो है अपने अंदर बहुत सारे devices develop करता है, devices मतलब mechanisms develop करता है, जिसे हम लोग outbreeding devices कहते हैं। ठीक है, अब outbreeding devices क्या होता है उसे देखते हैं। outbreeding
अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स अपने आप में किस तरीके के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब क्या बताया मैंने कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए वो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करता है, ठीक है, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम से कम किया जा सकता है, ठीक है, मिनिमाइज किया जा सके। सो हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप में कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप करता है। तो सबसे पहला है, देखो अलग अलग फ्लावर अलग अलग तरीके के डिवाइस डेवलप किए हुए हैं, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो है डिफरेंट टाइम्स ऑफ रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी मतलब होता है उनका जो मान सकते हो कि मैच्यूरेशन टाइम, ठीक है। फॉर पॉलिनेशन द स्टिग्मा मस्ट बी रिसेप्टिव। पॉलिनेशन के लिए स्टिग्मा को रिसेप्टिव होना कंपलसरी है। विदाउट रिसेप्टिव हुए यानी कि विदाउट मैच्योर हुए, रिसेप्टिव के लिए एक वर्ड याद रखो मैच्योर, ठीक है। सो विदाउट मैच्योर हुए वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन आइदर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द पॉलन रिलीज। देखो इसे एक साधारण एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव एज होता है। उस रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं रह जाता है, ठीक है। उसका रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाने के बाद वो रिप्रोडक्शन के लायक नहीं रह जाता है, ठीक। तो अगर अब क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही, ठीक है ना। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही, और बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होगा, उसमें जो एंथर है और स्टिग्मा है दोनों का मैच्यूरेशन टाइम सेम होगा क्योंकि फ्लावर सेम है, ठीक है, तो दोनों का मैच्यूरेशन टाइम सेम होगा। तो अगर हम इनका मैच्यूरेशन टाइम अलग अलग कर दें तो सेल्फ पॉलिनेशन को एरिडिकेट किया जा सकता है, अगर हम इनका मैच्यूरेशन टाइम अलग अलग कर दें। या तो हम लोग स्टिग्मा को बहुत पहले मैच्योर कर दें या फिर पॉलन ग्रेन को बहुत पहले मैच्योर कर दें, ठीक है, तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सकता है। तो क्या होता है कि प्लांट क्या करते हैं, आइदर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द पॉलन रिलीज, ठीक है, या तो स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव होता है पॉलन रिलीज के, उस फ्लावर के पॉलन रिलीज से बहुत पहले ही रिसेप्टिव हो जाता है। देखो देखो इसे इस डायग्राम से समझने की कोशिश किया करो। ये क्या है एंथर, और ये क्या है, ये है स्टिग्मा, ये एंथर ये स्टिग्मा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको बहुत पहले हम लोग मैच्योर कर देते हैं, मैच्योर कर दिए तो ये फटेगा और इसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, लेकिन ये अभी तक रिसेप्टिव नहीं हुआ है, तो अगर इसमें पॉलन ग्रेन आके गिर भी जाता है तो कोई फायदा नहीं क्योंकि वहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि स्टिग्मा अभी तक मैच्योर हुआ नहीं है, ठीक। तो ये इससे क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर मान लो पॉलिन पॉलन ग्रेन गिर भी गया तो ये उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये अभी मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन रहते 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 वो खत्म हो जाएगा अपना, क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन का जब तक वो मैच्योर होगा तब तक पॉलन ग्रेन का रिप्रोडक्टिव फेज पार हो चुका होगा, ठीक। तो ये इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सकता है। या फिर मान लो हम लोग स्टिग्मा को बहुत पहले रिसेप्टिव बना देते हैं, मैच्योर बना देते हैं, ठीक है, स्टिग्मा को बहुत पहले मैच्योर बना देते हैं बहुत पहले, और ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, ये मैच्योर नहीं हुआ है तो अभी पॉलन ग्रेन बाहर ही नहीं निकलेगा, ठीक ना, अभी पॉलन ग्रेन बाहर ही नहीं निकलेगा, और ये मैच्योर हो गया है तब तक क्या होगा कि बाहर से कोई फूल का पॉलन ग्रेन आकर के इसको पॉलिनेट कर चुका होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक रिसेप्टिव हुआ ही नहीं है तो पॉलन ग्रेन उसमें से बाहर ही नहीं निकलेगा, और ये रिसेप्टिव हो चुका है तो कोई भी एयर से या इंसेक्ट के थ्रू, है ना, पॉलन ग्रेन आएगा किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से और इसको पॉलिनेट कर देगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि बाहर से आ रहा है पॉलन ग्रेन, तो अब क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन का खतरा कम हो गया। तो डिफरेंट टाइम्स ऑफ रिसेप्टिविटी, समझ में आ गया, इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को क्या किया जाता है, एरिडिकेट किया जा सकता है। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइस डेवलप किया है फ्लावर। दूसरा क्या मेथड है, डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा का फ्लावर में अलग अलग पोजीशन, ठीक, साइज या फिर पोजीशन अलग अलग होगा। देखो कैसे, इसे इरेज कर देता हूं।
The different position and size of anther and stigma. Anther और stigma का या तो size unequal होगा, है ना? और या फिर उनका जो position होता है. They may be of different size or located in different position. ठीक है, anther और stigma का या तो size अलग अलग होगा, एक ही plant में size अलग अलग होगा, या फिर वो अलग अलग position में located होंगे. देखो कैसे, इस flower को ध्यान से देखो. इस फ्लावर को ध्यान से देखो, यहां पर साइज दोनों का अलग अलग है. एंथर का साइज छोटा है ना, यानी एंड्रोजियम का साइज छोटा है, गाइनोजियम का साइज बहुत हाई ऊपर है ना, स्टिग्मा वो बहुत हाइट पर है और एंथर बहुत नीचे है. तो इसमें ये अगर ब्रश करता भी है और इसमें से पॉलन ग्रेन निकलता भी है तो पॉलन ग्रेन यहां से यहां जा सकता है, बट चांसेस बहुत कम है ना, बिल्कुल लो हो जाता है चांसेस कि नीचे से उड़ करके ब्लास्ट करके पॉलन ग्रेन जो है वो ऊपर जाए. ठीक ना, नीचे से एंथर ब्रस्ट करके उसके पॉलन ग्रेन ऊपर स्टिग्मा तक जाए, इसके चांसेस बहुत घट जाते हैं. तो इस तरह साइज को डिफरेंट अलग अलग करके जो सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट बचते हैं. ठीक है, और पोजीशन क्या होता है, पोजीशन में क्या होता है कि अगर मान लो कि साइज सेम सेम है, ठीक ना, साइज सेम सेम है, फिर भी इनका पोजीशन जो है प्लांट में अलग अलग होगा. अलग अलग जगह पर एंथर और स्टिग्मा होंगे, अलग अलग जगह पर. क्या कैसे कि जो गाइनोजियम है वो बीच में रहेगा, ठीक ना, यानी स्टिग्मा बीच में रहेगा, लेकिन जो एंथर है वो कहाँ रहेंगे, पेटल्स से जुड़े हुए रहेंगे. ठीक ना, पेटल्स यानी जो उसके पंखुड़ी हैं उनसे जुड़े हुए रहेंगे और इनका जो झुकाव होगा वो बाहर की तरफ होगा. ठीक है ना, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ होगा. तो अगर ये ब्रस्ट करता है एंथर तो इसमें से जो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो बाहर की तरफ निकलेंगे, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांस इसमें भी बहुत कम हो जाता है. ठीक, तो डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा से भी क्या किया जा सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन को बहुत हद तक एरिडिकेट किया जा सकता है. इस तरीके के मैकेनिज्म जो है प्लांट डेवलप कर रहा है अपने आप में टू एरिडिकेट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो अब देखते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है. सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन विच द स्टिग्मा प्रिवेंट्स द जर्मिनेट द पॉलन ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. देखो यहां तक तो ये दोनों जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा वो फिजिकल मेथड है, वो अपने जो मॉर्फोलॉजी में चेंज लाता है ना, या तो अपना साइज में चेंज कर लेता है या फिर रिसेप्टिविटी चेंज कर लेता है. लेकिन ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है. ठीक ना, वो अपने जीन्स में से चेंज लाता है ना,
वो अपने जीन्स या डीएनए में ऐसा चेंजेस लाता है जिसके वजह से ये चेंज आता है, जेनेटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब कि बाहर से जितना पॉलन ग्रेन आएगा, है ना, दूसरे दूसरे प्लांट के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन आएंगे उससे वो पॉलिनेट हो जाएगा, लेकिन अपने ही पॉलन ग्रेन, अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन से वो नहीं हो पाएगा। ठीक, सिर्फ अपने प्लांट के पॉलन ग्रेन को छोड़कर बाकी जितने भी बाहर के प्लांट हैं उनसे वो पॉलिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस टाइप का चेंज लाता है, तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, वो अपने डीएनए में ही कुछ चेंज कर लिया है। देखो ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि सेम फ्लावर है ना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, ये एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, याद रखना, यही एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, याद रखना, दिस इज द ओनली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस व्हिच इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी सब फिजिकल मॉडिफिकेशन है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि अगर इसी प्लांट का एंथर, क्योंकि बाइसेक्सुअल है ना, तो दोनों होगा, एंथर और स्टिग्मा दोनों होगा, तो अगर इसी प्लांट का एंथर इसी के स्टिग्मा पर गिरता है, इसी फ्लावर के, तो वो पॉलिनेशन नहीं होने देगा। ठीक, अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है ना, प्लांट देखो सेम है ना, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है तो भी वो पॉलिनेशन नहीं होने देगा। ठीक, लेकिन अगर इसी इस प्लांट का पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ इस पर आता है या फिर इस पर जाता है तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक, यानी दूसरे बाहर से कोई प्लांट का फ्लावर का पॉलन ग्रेन आता है तो वो पॉलिनेशन होने देगा, लेकिन अपने ही प्लांट के फ्लावर से वो पॉलिनेशन नहीं करने देगा। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है। और इसका मतलब ये क्या होता है कि ये दोनों को, ऑटोगेमी को भी और जीटोनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करता है। ठीक, ऑटोगेमी भी नहीं होने देगा और जीटोनोगेमी भी नहीं होने देगा। ऐसे प्लांट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीटोनोगेमी ही होगा, आगे समझ, सॉरी जीनोगेमी ही होगा, यानी कि ये ऑटोगेमी ही भी नहीं होने देगा और जीटोनोगेमी भी नहीं होने देगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जीनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन ही होने देगा, आगे समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक चौथा तरीका है आउटब्रीडिंग डिवाइस का, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लो, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी तो ऑटोगेमी का खतरा बना रहेगा। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही डेवलप कर रहा है प्लांट अगर, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का कोई सवाल ही नहीं होता है ना। सो प्लांट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर, मेज एंड कॉटन। देखो अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, अलग अलग फ्लावर अलग अलग तरीका अपनाता है। देखो कैस्टर मेज और कॉटन, इन तीनों में क्या होगा कि मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोथ इन सेम प्लांट। ठीक है ना, मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोथ इन सेम प्लांट, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट में रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन एक फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट नहीं रहेगा, एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर में नहीं मिलेगा, इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं कह सकते हैं। जैसे ये फ्लावर है, सेम प्लांट है, ये फ्लावर है तो ये पूरा का पूरा
मेल है, ठीक है, और ये फ्लावर है तो ये पूरा का पूरा फीमेल है। दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, ठीक है, और सेम प्लांट में है, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ जिटोनोगेमी हो सकता है, जीनोगेमी, ऑटोगेमी नहीं होगा, ठीक है ना। ये ऑटोगेमी को इंडिकेट करता है। ऑटोगेमी कब होता था, जब एक ही प्लांट में, सॉरी एक ही फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इसमें क्या, ये मेल फ्लावर है तो इसमें सिर्फ एंथर पाया जाएगा, स्टिग्मा नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, इसीलिए इसमें सिर्फ स्टिग्मा पाया जाएगा, एंथर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, दोनों एक ही प्लांट में है, यानी कि कैस्टर, मेज और कोटन वाले प्लांट में क्या होता है कि कुछ फ्लावर जो है मेल होते हैं और कुछ फ्लावर जो है फीमेल होते हैं, ठीक। लेकिन पपाया में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर इन सेपरेट प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो अलग अलग प्लांट में होते हैं। जैसे ये एक पपाया प्लांट है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी फ्लावर लगेंगे वो फीमेल होंगे और इसमें जितने भी फ्लावर लगेंगे वो फीमेल होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये पपाया में होता है। पपाया में क्या होता है कि पूरा प्लांट ही यूनिसेक्सुअल होता है ना, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन लेकिन कैस्टर, मेज और कॉटन में क्या होता है कि अगर फ्लावर की बात करें तो वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है ना, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल क्यों, क्योंकि उसमें मेल फ्लावर भी लग रहा है, फीमेल फ्लावर भी लग रहा है ना, लेकिन अगर फ्लावर की बात करें तो वो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों नहीं है। आ रहा समझ में बात। तो ये हो गया हम लोगों का डिमेरिट्स ऑफ ऑटोगेमी, और उस डिमेरिट से बचने के लिए फ्लावर अपने आप में क्या क्या चेंजेस लाता है, कौन कौन से जो मैकेनिज्म डेवलप करता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब यहाँ पर हम लोगों का ख़त्म हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की तरफ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, और उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि किस तरह पॉलन ग्रेन जो है वो, पॉलिनेशन तो हो गया, अब उसमें से पॉलन ग्रेन कैसे जर्मिनेट करेगा और वो अपने न्यूक्लियस को, पॉलन ग्रेन अपने न्यूक्लियस को, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसको किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, वो सारे चीज़ों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।